तो हमें सीडी की वायरिंग के लिए दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है, जिनमें ऊपर वाला पोल L1 नीचे वाला L2 होता है तथा बीच में एक कॉमन पोल होता है। हम इसकी वायरिंग करते हैं। यदि हमें L1 पोल को L1 से जोड़ना है तथा L2 पोल को L2 से जोड़ना है, वह कॉमन को अभी छोड़ देना है। उसके बाद हमें मीटर से जो फेज व न्यूट्रल प्राप्त होता है उसे MCB में देना है। MCB से हमें न्यूट्रल को डायरेक्ट लाइट से जोड़ देना है तथा जो फेज तार होता है उसे हमें स्विच के कॉमन वायर से जोड़ देना है। अब स्विच सेकंड से हमें फेज तार को निकालना है और हमें हमारे उपकरण में जोड़ देना है। हम जैसे ही हमारे उपकरण जोड़ते हैं हमारा ये परिपथ पूरा हो जाता है। इसके बाद यदि हमें लाइट को जलानी है, इसको ऑन और एक को ऑफ रखना है। यदि हम नीचे वाले स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी लाइट जल जाती है और हम ऊपर जाके स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारी लाइट बुझ जाती है। हम इसे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमारी लाइट जल गई तथा हम सीढ़ी के जैसे ही ऊपर जाते हैं और वहाँ से हमने स्विच को ऑफ किया तो हमारी लाइट बुझ गई। इसी प्रकार से हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे हमारी लाइट की बचत की जा सकती है तथा इस वायरिंग के अलावा भी हम सीढ़ी की वायरिंग 3 या 4 प्रकार से कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।